आर्टिकल का टॉपिक है हमारा, वो है रिकॉर्डिंग द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैमरा ल्यूसिडा. कैमरा ल्यूसिडा इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज एज अ ड्राइंग एड बाय आर्टिस्ट एंड माइक्रोस्कोपिस्ट. कैमरा ल्यूसिडा एक ऐसी डिवाइस है ऑप्टिकल, जिसमें जो जिसको आर्टिस्ट या माइक्रोस्कोपिस्ट एज अ ड्राइंग एड के तौर पर यूज़ करते हैं. पहले ऐसा होता था कि ना, जब भी कोई ड्राइंग करता था आर्टिस्ट, तो एक तरफ एक जगह बैठकर उसको ड्राइंग करनी पड़नी थी. जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता था उसको फौरन उसकी ड्राइंग जो है एट अ टाइम करनी पड़ती थी. बाद में फिर फोकस नहीं रहता था, तो इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता था. या बाद में अगर वो करता भी था तो आंखों की जो मूवमेंट है, बार बार ऊपर देखना फिर नीचे ड्रा करना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था. फिर कैमरा ल्यूसिडा जो है इसकी इन्वेंशन हुई. कैमरा ल्यूसिडा की मदद से ये हुआ कि जब हम कैमरा ल्यूसिडा अटैच कर देते थे किसी भी, ये आर्टिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो टेबल पर कैमरा ल्यूसिडा अटैच कर देते थे, और उसकी मदद से ये होता था कि उसमें प्रिज्म अटैच होता था. तो प्रिज्म से जब देखते थे तो साइमल्टेनियसली दोनों सीन्स नजर आते थे. जो ड्राइंग पेपर है वो भी देख सकता है आर्टिस्ट, और जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है वो भी देख सकता है. यानी उसको बार बार सर हिलाने वाली जो मुशक्कत थी वो नहीं करनी पड़ती थी, उसका काम आसान हो गया था. अब कैमरा ल्यूसिडा जो है ये बेसिकली एक पोर्टेबल लाइट डिवाइस है, जिसको ज़्यादा लाइटनिंग कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती. लैटिन वर्ड है कैमरा ल्यूसिडा, जिसका मतलब है लाइट चैम्बर. इससे पहले जो एक ओल्ड ड्राइंग एड यूज़ होती थी जो बनाई गई थी, वो थी कैमरा ऑब्स्क्यूरा, जिसका मतलब था डार्क चैम्बर. लेकिन वो थोड़ी पुरानी है. उसके बाद अब कैमरा ल्यूसिडा भी यूज़ नहीं होती, क्योंकि अब मॉडर्न दौर है, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, तो अब फोटो माइक्रोग्राफ्स यूज़ होती हैं, अब उसको यूज़ नहीं किया जाता. लेकिन अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैलेंटोलॉजी में, कि अक्सर हम देखते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक्स पर जो पिक्चर्स हैं या रिसर्च पेपर्स पर जो पिक्चर्स होती हैं, वो सब जो होती हैं कैमरा ल्यूसिडा की हेल्प से बनाई गई होती हैं. अब इसका चलते हैं कि ये किसने बनाई थी. सबसे पहले इस पर जोहानसन जो कैपलर था उसने काम किया था 1614 में, 1600 के दौर में, 17th century के दौर में उसने काम किया था इस पर. उसके बाद इस पर किसी ने काम नहीं किया. लेकिन उसने ये था बेसिक ऑप्टिक्स बता दी थी, लेकिन उसने एविडेंस नहीं दिया कि किस दुनिया को एविडेंस चाहिए होता है. साइंटिस्ट जो होते हैं वो एविडेंस मांगते हैं, लेकिन किसी उसने एविडेंस नहीं दिया और उसका काम जो था वो ज़ाया हो गया, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी. उससे तकरीबन 200 साल बाद जो है हाइड वोलेस्टन जो था, जॉन हाइड वोलेस्टन, इन्होंने क्या कहते हैं इस पे काम करना शुरू किया कैमरा ल्यूसिडा पर. इसकी बेसिक ऑप्टिक्स को देखा और उसके एविडेंस जो थे प्रूफ के साथ दुनिया को बताए, साइंटिफिक कम्युनिटी में बताए. लेकिन उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर सका, क्योंकि वो सारी जो एविडेंस थे वो बिल्कुल ठीक थे. अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं. मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ. तीन पार्ट्स होते हैं. एक अटैचमेंट रिंग होती है कैमरा ल्यूसिडा की, एक प्लेन मिरर होता है, और एक उसकी क्या कहते हैं आर्म होती है. अटैचमेंट रिंग है, प्रिज्म है, और आर्म है जिसके साथ प्लेन मिरर अटैच है. एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह होता है कैमरा ल्यूसिडा. जी हो रही है. जो इसका प्लेन मिरर है, ये अटैच है, ये ऊपर अटैचमेंट रिंग है, और अटैचमेंट रिंग के अंदर ही प्रिज्म है. मैं आपको दिखाती हूँ प्रिज्म किधर है. ये इसका बॉक्स, ये अटैचमेंट रिंग है. ये जो है उन्होंने ये नंबरिंग है, इसको हम उसके सेट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग. हमारा जो हमने ऑब्जेक्ट एक्यूरेसी सही है, 3 पे भी कर सकते हैं, 1 पे भी सही, और जो इमेज है वो वॉश आउट ना हो. नेक्स्ट ये प्रिज्म है, ये रिंग के नीचे ही प्रिज्म है, 4-sided प्रिज्म है. ये देखें यहाँ पे अगर नजर आ रहा हो आप लोगों को. और ये तीसरी जो है उसकी आर्म है, मैं पहले आपको दिखाती हूँ. ये आर्म है जो मैं पहले आपको लोगों को दिखा चुकी हूँ, ठीक है. अब होता ये है कि इसको
कैसे किया, हम इसको माइक्रोस्कोप के साथ, साइंस कम्युनिटी को यह हम इसको माइक्रोस्कोप को, माइक्रोस्कोप के साथ अटैच करते हैं कैमरा ल्यूसीडा को. जब इसको कैमरा ल्यूसीडा को माइक्रोस्कोप के साथ अटैच करते हैं फर्स्ट पर, तो हम ऐसे अटैच करेंगे कि जो अटैचमेंट रिंग है जो कि मैं दिखा चुकी हूँ उसको आई पीस के साथ वाली जगह पर अटैच करते हैं. यानी ऐसे कि प्रिज्म जो है वो ऊपर आ जाता है, आई पीस जो माइक्रोस्कोप का है वो नीचे हो जाएगा. जैसे कि आप ये देख रहे हैं प्रिज्म आई पीस नीचे है, ये इसकी अटैचमेंट है. और जो मिरर है वो इस तरह टाइट हुआ साइड पर कि वो 45 का डिग्री का एंगल है, 45 मिरर, प्लेन मिरर बिल्कुल ये. और हम ये माइक्रोस्कोप की जो हमारी बेस है, बेस के साथ ही टेबल पर जो ना, बेस के साथ हम मिरर के बिल्कुल नीचे हम ड्राइंग पेपर अपना रखेंगे. अब इसका मैकेनिज्म क्या है, होता है जब हम देखते हैं आंख से, हमने देखा किसकी तरफ, ये प्रिज्म है ऊपर, प्रिज्म था, प्रिज्म से हमने देखा, प्रिज्म से आई पीस जो है हमने उधर क्या देखा है कि माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट था, हमने उसको देखा, उस पर हमारा फोकस है. अब हमने इमेज देखी ऑब्जेक्ट की, माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज देखा है, उसकी रिफ्लेक्शन होगी किसकी तरफ, प्रिज्म से, उस प्रिज्म से वो रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि बहुत सारी प्रिज्म है, प्रिज्म से उसकी रिफ्लेक्शन होगी किस तरफ, ये इस तरफ मिरर की तरफ हो जाएगा, पड़ जाएगा किस पर, मिरर मिरर के ऊपर से रिफ्लेक्शन के बाद वो बात करेगा कि इधर ये जो ड्राइंग पेपर है और फुल जो है जो माइक्रोस्कोपिक को ट्रेसिंग होगी वो या रिफ्लेक्शन होगा वो ड्राइंग पेपर पर आ जाएगा. उसके बाद से वो ऊपर ट्रेसिंग तो हो जाती है, आवाज है उसको ऊपर ड्रा कर लेते हैं और एक फेथफुल को एक्यूरेट इमेज जो होते हैं हमारे पास आ जाता है. बस ये का इतना ही, एक वीडियो है मैं दिखा देती हूँ कि वैसे बिल्कुल ये कि किस तरह ये कैमरा ल्यूसीडा जो है माइक्रोस्कोप के साथ अटैच कैसे कर रहे हैं, वो एक आदमी है वो अटैच कर रहे हैं, वो कैसे अटैच कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगी कि किस तरह अटैच हुआ हुआ है. ये माइक्रोस्कोप की जो बॉडी ट्यूब है, इस तरह से इससे ये होता है कि जब ऑब्जर्वर देख रहा होता है तो उसको बार बार ड्राइंग पेपर पे नहीं देखना पड़ता. माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप को देखे फिर ड्राइंग पेपर पे ड्रा करे, वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली वो देख रहा है अपने ऑब्जेक्ट को भी और ड्राइंग पेपर पे भी उसकी नजर है और वो उसको ट्रेसिंग कर रहा है आसानी से, क्योंकि ड्राइंग पेपर उसको ट्रेसिंग पहले से ही होगी, रिफ्लेक्शन पार्ट है उस ऑब्जेक्ट का, उसने बस ऊपर ट्रेस करना है पेंसिल से और उसके पास एक इमेज आ जाएगा. बस अगर क्या है, मैं वीडियो हाँ बोरी है शो. बिल्कुल देखते हो, साथ ही उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो पेपर पर, ये ऑब्जेक्ट है माइक्रोस्कोपिक.
माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट है। उसकी बिल्कुल ट्रेसिंग है और बस ये माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन वो ड्राइंग पेपर पर आएगा और आसानी से वो ड्रा कर लेंगे उसको। बस यही है, एक ऐसी डिवाइस है, कैमरा ल्यूसिडा ऐसी डिवाइस है जिसमें जिसे माइक्रोस्कोपिस्ट और जो आर्टिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं एज अ ड्राइंग एड के तौर पर, ताकि उनका वो आसानी से ड्रा कर सकें इमेज को विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फिटीग। और इसके तीन इसके मेन इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो रिफ्लेक्शन है कि बीम ऑफ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और इमेज जो है वो हमारे पास क्लियर नज़र आ जाता है। तीन इसके पास इसके तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट जो है वो है अटैचमेंट रिंग, उसके बाद उसका फोर साइडेड प्रिज्म जो उसके अंदर अटैच है, और तीसरा इसका प्लेन मिरर। हमने क्या करना है, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ उसके जो अटैचमेंट रिंग है उसको इस तरह अटैच करना है कि आई पीस जो है वो नीचे आई और प्रिज्म जो है इसका फोर साइडेड वो ऊपर की तरफ अटैच हो, और जो प्लेन मिरर है उसका आर्म जिसके साथ अटैच है वो 45 के एंगल पर हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और फिर हम करेंगे बेस के साथ ही, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बेस है उसके साथ ही हम बिल्कुल प्लेन मिरर के नीचे हम एक ड्राइंग पेपर रख देंगे। जब हम उसके अंदर प्रिज्म से देखेंगे जो ऑब्जेक्ट होगा माइक्रोस्कोप का उसकी वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी रिफ्लेक्शन से क्या होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पर, प्लेन मिरर की तरफ। प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन शो होगी और वहाँ से वो रिफ्लेक्शन शो होगी ड्राइंग पेपर पर, तो एक ट्रेसिंग सी बन जाएगी जिससे हम इजिली ड्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा पैलेंटोलॉजी की फील्ड में जैसे बताया आज भी जो है कैमरा ल्यूसिडा को यूज़ करते हैं। अब होता यह है कि अगर हम वाइट पेपर की बजाय कोई टोन्ड कलर या ग्रे पेपर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना उसमें इतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। ज़्यादा वाइट पेपर पर यह है कि ज़्यादा रोशनी भी हो रही है, वाइट पेपर भी है, तो फिर इमेज जो है वो वॉश आउट हो सकता है। तो इसलिए ऐसे चाहिए कि ग्रे पेपर यूज़ करें अगर हम ड्रा कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। तो बस इसका ये प्रिंसिपल था, रिफ्लेक्शन करते हैं और इस तरह हम जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिकॉर्ड करते जाएंगे, एक इमेज ड्रा कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट था वो किस तरह का है, किस शेप का है, किस तरह का है, उसका सारा पता चल जाएगा हमें।